पंजाब असेंबली में पुलिस अफसरान पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। मुतअद्दिद अरकान असेंबली ने पुलिस अफसरान पर तशद्दुद किया, बाल नोचे, नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया गया। पंजाब पुलिस की जानिब से ये कहा गया, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस पर तशद्दुद करने वालों की फहरिस्तें तैयार, जल्द कार्रवाई मुतवक्के है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब असेंबली में पुलिस अफसरान पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया। मुतअद्दिद अरकान असेंबली ने पुलिस अफसरान पर तशद्दुद किया, बाल नोचे, नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कैपिटल टीवी शहबाज हैदर ने। शहबाज, कहिए गए इस हवाले से। बिल्कुल जी, पंजाब असेंबली में होने वाले इजलास में जो गुंडागर्दी की गई वो पाकिस्तान समेत जो है वो दुनिया भर में देखी गई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली पर तशद्दुद किया गया, बाल खींचे गए और हालात खराब होने पर जब पुलिस बुलाई गई तो पुलिस के अफसरान समेत एहलकारों पर भी तशद्दुद किया गया, धक्के मारे गए, नाजेबा जुबान का जो है वो इस्तेमाल किया गया, जिस पर लाहौर पुलिस ने कार्रवाई का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस पर तशद्दुद करने वाले अरकान जो असेंबली है उनको पहचाना जाएगा और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस पर तशद्दुद की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है जानवरों की तरह पुलिस पर तशद्दुद किया जा रहा है, इनके बाल नोचे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस पर तशद्दुद करने वाले वाले जो अरकान असेंबली है उन पर मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई अमल में लाने का फैसला किया गया है जी। लाहौर पुलिस ने कार्रवाई का फैसला कर लिया है। शहबाज हैदर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।